नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 14 का भाग एक पढ़ेंगे। लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अध्याय का नाम पहलवान की ढोलक। शुरू करें बच्चों। बच्चों, ये है लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। लेखक परिचय। रेणु जी का जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान पूर्णिया है, जो बिहार में है। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास है मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, कहानी संग्रह में ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक आदि है। सारांश, बच्चों, इस अध्याय में व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक होने की कहानी है। अर्थात इसी देश में राजा के बदलने के साथ वहां की पुरानी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती है तथा नए राजा के अनुसार नई व्यवस्थाएं, नए लोग कार्य करना शुरू करते हैं। बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आना पूरी व्यवस्था को पलट देता है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। अर्थात भारतीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृति के प्रभाव को दर्शाती है। सर्दी की घोर अंधेरी रात में आकाश में केवल तारे ही चमक रहे हैं। अमावस्या की रात में गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाजों से कभी कभी रात्रि की निस्तब्धता भंग हो जाती थी। गांव में हैजा और मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। सभी के बीच मौत का सन्नाटा व्याप्त था। केवल बच्चों की रोने की आवाज
कभी कभी सुनाई पड़ती थी। लोग बलपूर्वक अर्थात जबरदस्ती अपने डर को छिपाते हुए भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। रात्रि की भीषणताओं के साथ पहलवान की ढोलक बजती रहती थी। यह है पहलवान लुट्टन सिंह, जिनकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। पहलवान लुट्टन सिंह की 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और बचपन में विवाह होने के कारण लुट्टन सिंह की सास ने उसका पालन पोषण किया। पहलवानी की आवश्यकता व उचित खान पान व्यवस्था के मिलने के कारण लुट्टन सिंह सुडौल और मजबूत शरीर वाला बन गया, अर्थात एक मजबूत पहलवान बन गया। सर्दियों की अंधेरी रातों में उसके ढोलक की आवाज पूरे गांव में जोश भरकर संजीवनी का काम करती थी। शाम होते ही उसकी ढोलक की थाप की आवाज सुनकर सभी गांव वालों को जीवित होने का एहसास होता था। बच्चों, लुट्टन सिंह की कहानी सुनते हैं। एक बार श्याम नगर में कुश्ती के दंगल में लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को चुनौती दे दी। बच्चों, चांद सिंह बहुत बड़ा पहलवान था, वह बहुत ताकतवर था। उसने सभी पहलवानों में शेर के बच्चे की उपाधि धारण कर रखी थी, अर्थात वह बहुत बहादुर था। चांद सिंह अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। कुश्ती के लिए राजा श्यामानंद से लुट्टन ने अनुमति लेकर चांद सिंह के दांव को काटकर उसकी गर्दन पकड़ ली तथा चांद सिंह की गर्दन पर कब्जा कर लिया, अर्थात उसे हरा दिया। अंत में उठा पटक दे की आवाज के साथ चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। जनता ने विजयी लुट्टन सिंह की जय जयकार की।
विजयी लुट्टन सिंह ने ढोलक को प्रणाम किया। राजा श्यामानंद ने प्रसन्न होकर लुट्टन सिंह को हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। राज दरबार के पहलवान के रूप में लुट्टन सिंह को अपना स्थान मिल गया। उसने काला पहलवान को हराकर अपनी कीर्ति को दूर दूर तक फैला लिया। अर्थात चारों तरफ एक बहादुर पहलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लुट्टन सिंह के केवल दो पुत्र रह गए थे, क्योंकि उसकी सास व पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। पुत्र भी लुट्टन की तरह दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। इनके गुरु कोई आदमी ना होकर ढोलक था। बच्चों, राजा श्यामानंद की मृत्यु के बाद विदेश में रहने वाले उसके पुत्र राजकुमार ने सत्ता संभालते ही तीनों पहलवानों को दरबार से बाहर निकाल दिया, क्योंकि राजकुमार को रेस अच्छी लगती थी। पहलवान गांव में नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। अकस्मात गांव पर पहले अनावृष्टि अर्थात बारिश नहीं होना, फिर अन्न की कमी, और महामारी हैजे और मलेरिया ने गांव को समाप्त करना शुरू कर दिया। मलेरिया और हैजे से गांव में रोज 2-3 लाशें उठने लगी। इस महामारी के दौरान सिर्फ पहलवान की ढोलक ही रात्रि में विभीषिका को चुनौती देती थी तथा लोगों में जोश भरती थी। बच्चों, गांव में महामारी फैलती जा रही थी, लोग मरते जा रहे थे, परंतु पहलवान लुट्टन सिंह अपनी ढोलक के साथ लोगों में जोश भरता रहता था। एक दिन पहलवान के दोनों पुत्र भी बीमार हो गए।
एक रात उसने अपने बेटों के कहने पर उठा दो पटक दो की धुन बजाई, परंतु उसके दोनों पुत्र मृत्यु को हरा नहीं सके और उनकी मौत हो गई। उसने अपने पुत्रों के शवों को नदी में बहा दिया। इससे गांव वालों की हिम्मत टूट गई। बच्चों, अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद भी प्रत्येक रात लुट्टन ढोलक बजाया करता था। अपने ढोलक से वह गांव वालों में जोश भरता था, उनमें बीमारी से लड़ने की ताकत देता था। परंतु एक रात ढोलक की आवाज नहीं आने पर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है, अर्थात पहलवान लुट्टन सिंह की भी बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। उसके शिष्यों ने आंसू पोंछते हुए कहा कि गुरुजी की अंतिम इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना, मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। अर्थात उसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी थी और उसकी चिता सुलगाने के साथ ढोलक बजा देना। बच्चों, ये थी पहलवान लुट्टन सिंह की कहानी, जिसने मरते दम तक हिम्मत नहीं हारी और पूरे जोश के साथ बीमारी से लड़ता रहा, गांव वालों में जोश भरता रहा। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।